विजय माल्या हुंतु बा नीरव मोदी किंबा मेहुल चोक्सी हजार हजार कोटी टंकर बड़ बड़ ठके मामलें देशांतर हो जाता व्यवसायी मानू देश को फेर आ सरकार काठिकर पाठ हो आईनगत प्रक्रिया एत लंबा जे प्रत्यर्पण राजीनामा होता देश सहजरे फेर अणाई पारना पलातक ठक मान स्थित मेहुल चोक्सी डोमिनिकारू प्रत्यर्पण जोरसोर उद्यम आरंभ कर नूआदिल्ली चोक्सी को आने पर एक प्रतिनिधि दल डोमिनिका यात्रा करी तेज सबकि निर्भर करुच्ची डोमिनिका न्यायिक व्यवस्था पर कहुए आईन हाथ लंबा एवं मुकुलिबा कष्टकर तेज पलातक मान प्रत्यर्पण क्षेत्र में यह प्रजोज्य है मन हो पलातकों प्रत्यर्पण केवल जे अंतर्जातीय आईन ता नुहे बर प्रादेशिक आईन राजनीति एवं कूटनीति बहुमात्र जड़ित थाए जहां बेले बेले प्रत्यर्पण को एक जटिल प्रक्रिया भितर को ठेली दिए यह प्रायतः दुई किंबा अधिक सार्वभौम्य राष्ट्रर संपर्क एवं स्वार्थ मध्य द्वंद्व सृष्टि करिथाए गोटे पटे जो देश में अपराध घटी से ही देशर सरकार पलातकों दोषी सब्यस्त करने और दंडित करने क्षमता प्रदान करपक्ष पलातक रुवा राष्ट्रर सरकार घरै आईन किंबा अंतर्जातीय आईन आधार में प्रत्यर्पण कर नपारती कारण बेले बेले एक क्षेत्र में निर्यातना एवं मानविक अधिकार उल्लंघन भली कथा बाट उगाड़ी थाए आईनगत जटिलता जो 2002 पखापाखि 19 वर्ष मध्य भारत सरकार पखापाखि 75 जना पलातकों प्रत्यर्पण करिबारे सफल होती अनेपटे वर्तमान सुधा विभिन्न ठकई एवं अपराध मामलें 300 रु अधिक पलातक देशांतर हो जदिओ 47 देश सह भारत प्रत्यर्पण चुक्ति स्वाक्षर करिछि एवं 11 देश सह प्रत्यर्पण व्यवस्था रही तथापि पलातक मानंकु प्रत्यर्पण करिबा एक विलंबित प्रक्रिया रे परिणत होइछि तेणु भारतीय तदंतकारी संस्थागुड़िक विदेशी राष्ट्रर अदालत एवं इंटरपोल सहित समन्वय रक्षा करी ए प्रत्यर्पण प्रक्रिया को त्वरान्वित करिबा आवश्यक भारत एवं ब्रिटेन मध्य 1993 प्रत्यर्पण चुक्ति स्वाक्षरित होता बेले मद माफिया विजय माल्या एवं हीरा व्यवसायी नीरव मोदी भली बड़ ठकों एपर्यंत भारत फेराई अणाई पारना परितापर विषय हो भारतीय जेल गुड़िकर अवस्था भल नहीं मानविक अधिकार उल्लंघन कराए अभियोग भारत को प्रत्यर्पण नक ब्रिटेन कोर्टे आवेदन करजय माल्या नीरव मोदी एपरिकी दुहीं जेल साधारण कैदी तुलन में अधिक सुविधा सुजोग दिजी भारत पक्ष कोर्ट को प्रतिश्रुति दिजा सत्वे प्रत्यर्पण प्रक्रिय विलंब होपटे नीरव मोदी को ब्रिटेन तल कोर्ट प्रत्यर्पण अनुमति दे सारी बेले हाइकोर्टे अपिल करने को सुजोग दिजाई विजय माल्या नीरव मोदी भारत सरकार विरोध में आउ एक संगीन अभियोग आनीजे किसी निर्दिष्ट एजेन्सी व्यवहार कर निर्यातना दिजा एपरिक अपराध ना मीडिया ट्रायल नीरव मोदी भारतीय न्यायपालिकार स्वाधीनता और निरपेक्षता उपर प्रश्न उठाई जहां खारज करदे वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट तेरे आईन गलाटर फायदा उठाई भारत को प्रत्यर्पण को घुंचाई चली विजय माल्या नीरव मोदी विजय माल्या नीरव मोदी एवं शिरोनाम आउ जे हाई प्रोफाइल ठक हीरा व्यवसायी मेहुल चोक्सी पंजाब नेशनल बैंक 13,500 कोटी ठकई मामलें अन्यतम अभियुक्त चोक्सी प्रत्यर्पण बर्तवा आंटीगुआ को चंपट मारी मात्र काले आंटीगुआ सरकार भारत फेराई देबे से ही भय मे 23 तारीख में समुद्र पथरे डोमिनिका को पलाइले मात्र सेठारे भी पुलिस हाथ में धरा पड़गले गिरफ्तारी पर हस्पिटाल स्वास्थ्य परीक्षा पर अदालती प्रक्रिया आरंभ हो चोक्सी गिरफ्तारी पर भारत सरकार फेर आने जोरसोर लागिपड़ नूआदिल्ली पक्ष डोमिनिका प्रशासन सहित आलोचना चली एक विशेषज्ञ टीम को सेठाक पठाई टीम चोक्सी विरोध में समस्त दस्ताविज प्रमाणपत्र कोर्ट अर्डर साथे नहीं सूत्र अनुसार तदंतकारी संस्था सीबीआई दुईज सदस्य ईडी दुईज सदस्य एमईए दुईज अधिकारी दुईज सीआरपीएफ कमांडो को नहीं कतार एयरवेज स्वतंत्र विमान A7CEE मे 28 तारीख में नूआदिल्ली छाड़ा भारत सरकार चोक्सी आने पर सब बल खटाई बेले डोमिनिका कोर्टे चोक्सी वकिलों नुआ आवेदन मामला को भिन्न मोड़
चोक्सी वकिल जुक्ति बाढ़ी जे चोक्सी आंटिगुआ अपहरण कर से जने बांधवी को भेटा को बाहरी बेले अपहरण कर जलपथे डोमिनिका निया चोक्सी जेहेतु आंटिगुआर नागरिक अटंती तेणु तुम भारत को नुहे बर केवल आंटिगुआ को हस्तांतर कर आवश्यक तेणु एभली स्थित में डोमिनिका अदालतों चूड़ा राय पर समस्त नजर एवं कथा जे स्थानीय कोर्ट चोक्सी को भारत प्रत्यर्पण कर ना आंटिगुआ फेर ना न्यायिक तर्जमा अधिक समय नेब तापर सबकि निर्भर करुछी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।